नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर महापंचायत में आपका स्वागत। इन दिनों एक नई बहस छिड़ी हुई है। वो बहस ये है कि बिल्डर अगर पूरा पैसा लेने के बाद भी समय पर मकान नहीं दें तो क्या होना चाहिए। और इस बहस में एक बात और जुड़ गई है, वो ये है कि जो प्रमुख क्रिकेट खिलाड़ी हैं, फिल्मों के एक्टर हैं, जिनको हम सेलिब्रिटी कहते हैं, ये लोग एंडोर्स करते हैं कि इस बिल्डर का मकान आप लीजिए, उस बिल्डर के साथ जाइए। इन सेलिब्रिटीज को देखकर लोग मकान में पैसा तो लगा देते हैं लेकिन उनको समय पर मकान नहीं मिलता, और इसके साथ साथ ब्याज, ईएमआई, सारी चीजें देते रहना पड़ता है। आखिर बिल्डरों पर लगाम क्यों नहीं है? अभी हाल में उन पर लगाम लगाने के लिए एक कानून आया है, कानून बन गया है, लेकिन उस कानून को लागू करने के लिए जो जरूरी चीजें हैं वो अभी तक नहीं हुई हैं, और इसलिए बिल्डर मनमानी करते जा रहे हैं। ये सब क्यों हो रहा है? आखिरकार जो ग्राहक है उसकी सुरक्षा का कोई इंतजाम हो सकता है या नहीं? आज महापंचायत इसी विषय पर। और आज इस महापंचायत में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं सुरेश रहेजा जी, जो रहेजा यूनिवर्सल के फाउंडर हैं। वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा जी, जाहिर है कि काफी अनुभव है, इन्होंने देखा है कि बिल्डर किस तरह से काम करते हैं और आज इनके अनुभव से हम सीखेंगे। बायर्स एसोसिएशन से हमारे साथ हैं अनु खान जी, खरीदने वाले, मकान खरीदने वाले किस तरह से परेशान होते हैं उसको अनु खान जी बहुत अच्छी तरह समझते हैं। श्रीराम खन्ना जी हमारे साथ हैं, जो कंज्यूमर एक्टिविस्ट हैं और पीड़ित लोगों की मदद करते रहते हैं। और उसके साथ अमित खेमका जी हैं हमारे साथ, जो पेशे से एडवोकेट हैं और इस तरह के मामलों को देखते रहते हैं। सालों पहले एक फिल्म आई थी, खोसला का घोसला। ये मकान के लिए आत्मा की तरह भटकते हुए एक आदमी की कहानी थी। पैसा दे दिया और उसके बाद भी उसके साथ क्या क्या हुआ, वो उस पर पूरी फिल्म बन गई। मकान को बिल्डर किस तरह से या जो खरीदने वाले किस तरह से हथियाते हैं, उस पर उसकी कहानी थी। और आज ये कहानी एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बहुत सारे लोगों की कहानी है, उन युवाओं की कहानी है जिन्होंने ये सोचकर पैसा लगाया मकानों में कि अपना मकान हो जाएगा, ईएमआई दे लेंगे और बाद में चलकर किराया नहीं देना पड़ेगा। आज वो किराया भी दे रहे हैं, ईएमआई भी दे रहे हैं, और ये कितना मुश्किल होता है। जो लोग दे रहे हैं वो समझते हैं और जो मकान खरीदना चाहते हैं वो सभी समझते हैं। इस बहस को शुरू करने से पहले हम देखते हैं कि देश में कहां पर कितने बिल्डर अपने वादा से पीछे चल रहे हैं। देश के 7 बड़े शहरों का आंकड़ा है हमारे पास, करीब 14 लाख फ्लैट 14 से 30 महीने तक लेट चल रहे हैं, यानी समझ लीजिए कि 1 साल से लेकर 3 साल तक लेट हैं। इनमें ज्यादातर फ्लैट वैसे हैं जो 2008 से 2010 के बीच में लॉन्च किए गए थे। मुंबई में करीब 2,576 प्रोजेक्ट इस समय सीमा से पीछे चल रहे हैं। ये प्रोजेक्ट हैं, एक्चुअल मकान नहीं है। एक एक प्रोजेक्ट में 1,000 से लेकर 2,000 तक मकान हो सकते हैं, 300-400 भी हो सकते हैं। पुणे में करीब 1,254 प्रोजेक्ट जो हैं बिल्डर्स के, वो लेट हो रहे हैं। बेंगलुरु में 1,254 प्रोजेक्ट जो है समय सीमा से पीछे हैं, जाहिर है कि बिल्डर उनको दे नहीं पा रहे हैं। कोलकाता में सबसे कम करीब 515 प्रोजेक्ट जो हैं वो देर से चल रहे हैं। इसी तरह से अगर आप चेन्नई को देखें तो करीब 600 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो समय सीमा से पीछे हैं। ये आंकड़े अगर एनसीआर के देखें तो 784 प्रोजेक्ट में ऑलरेडी देरी हो चुकी है
और बहुत सारे जो प्रोजेक्ट हैं जिनको अभी लॉन्च ही नहीं किया गया है। अब आप समझें कि एक तरफ इतने प्रोजेक्ट देरी से चल रहे हैं, दूसरी तरफ अगर देखें कि कौन लोग इन प्रोजेक्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं तो आपको ताज्जुब होगा। इनमें से हमारे क्रिकेट खिलाड़ी धोनी भी एक हैं। अब आप देखिए कि अम्रपाली प्रोजेक्ट को उन्होंने प्रमोट किया था और उसके बाद उनको कहना क्या है। सो विल सी व्हाट कैन बी डन, यू नो, विल गेट इन टच विद द अम्रपाली पीपल एंड सी व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। एंड ऑल्सो इट्स इफ यू सी द इकोनॉमी वेयर इट्स सेटिंग, इट्स क्वाइट टफ फॉर द बिल्डर्स एज ऑफ नाउ, बट एट द सेम टाइम वट एवर इज प्रोमिस्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ यू नो वेयर दे स्टैंड, आई थिंक इट नीड्स टू बी मेट। धोनी कहते हैं कि वादा पूरा किया जाना चाहिए। एक और सेलिब्रिटी हैं शाहरुख खान, जरा उनको क्या कहना है वो भी हम सुनते हैं, देखते हैं। There's a certain limited knowledge all of us have, even the consumer as a matter of fact. I think whenever an ambassador or someone endorses something, they try to find that, I can't be an expert of how a car drives, but yes, you've heard of a company, you've heard of years of experience, and you go by that and figure out, because otherwise then we'll have to be knowledgeable about every field, which nobody is. Having said that, yes, there is a responsibility to check, cross-check, and then go for it. And that's, I think, a limited responsibility. Because, you know, there are other institutions and check-in points all around society and in governmental organizations to check those products much before a star can check them, and check them and verify them even better. So if I see a product which has a standardized mark, I assume it has been checked and has been passed by that. शाहरुख खान ने तो सरकार और जनता पर जिम्मेदारी टाल दी एक तरह से, लेकिन दुनिया में बहुत सारे देशों में कानून बने हुए हैं कि अगर कोई सेलिब्रिटी किसी ब्रांड को इंट्रोड्यूस करता है, उसको प्रमोट करता है और वो ब्रांड अपने वादे को पूरा नहीं करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, फाइन हो सकता है, जेल की सजा भी हो सकती है। भारत में भी एक संसदीय कमेटी ने इस तरह का सुझाव दिया है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार बिल्डर जो हैं वो प्रोजेक्ट को समय सीमा के भीतर पूरा क्यों नहीं करते हैं। सुरेश रहेजा जी, आपका सीधा संबंध है और मैं चाहूंगा कि आपके साथ ही बातचीत की शुरुआत हो। क्या कारण है, क्यों बिल्डर जो है अपना वादा पूरा नहीं करते? देखिए, जहां तक उत्तर भारत की बात है, गुड़गांव या नोएडा, हमने नोटिस किया है यहाँ ज़्यादा बुकिंग वो लोग कराते हैं जिनको घर चाहिए ही नहीं होता। वो लोग एक्चुअली फॉल्स बुकिंग वाले होते हैं, और अगर तो एप्रिसिएशन आती है तो थोड़ा इंटरेस्ट दिखाते हैं, अदरवाइज तो इंस्टॉलमेंट बंद कर देते हैं और उल्टा एक्शन शुरू कर देते हैं, पुलिस स्टेशन जाएंगे, कंज्यूमर फोरम चले जाएंगे, परेशान करेंगे। और उसके चक्कर में क्या होता है कि जो एक्चुअल बेचारा डिमांड वाला आदमी है, मान लिया 300 फ्लैट हैं एक बिल्डिंग में, बिल्डर ने 300 की बुकिंग कर ली, उनमें से एक्चुअली लेने वाले सिर्फ 50 ही होते हैं, 250 लोग जो हैं वो फॉल्स बुकिंग वाले होते हैं। लेकिन रहेजा जी, रहेजा जी, मेरा एक काउंट इसी के साथ जुड़ा हुआ सवाल है कि जो प्री लॉन्च बुकिंग करते हैं बिल्डर्स, वो तो ये जो इस तरह के इन्वेस्टर्स हैं उन्हीं को बेचते ही हैं, जो लोग की दुकान लगाकर खड़े हैं कि हम आपको फ्लैट दिलवाएंगे जो और ये करेंगे, तो बिल्डर की तो सीधे मिली भगत दिखाई देती है। नहीं, इसमें मिली भगत अगर वो लोग पैसा दे दें बिल्डिंग बनाने के लिए, क्यों देगा? जो इन्वेस्टर है, फ्लैट बाय एग्रीमेंट साइन करे, जो बिल्डर से मिला हुआ है इन्वेस्टर, वो 100 फ्लैट बुक कर लेता है एक एक लाख रुपए देकर, बाकी लोगों से जो बिल्डर है वो पैसे वसूलना चाहता है, वसूलता रहता है, लेकिन उनको छोड़ के रखता है क्योंकि दोनों को प्रॉफिट शेयर करना है, तो वो क्यों देगा? नहीं, हर केस में ऐसा नहीं है। आप अगर देखें अभी जो नया रेरा आया है, रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट, इसमें उन्होंने बिल्डर को तो 3 साल की जेल का प्रावधान रखा है, साथ में ऐसे बुकिंग करने वाले और उनके जो डीलर जो बुकिंग करवाते हैं उनके लिए भी 1 साल का जेल का प्रावधान किया गया है। आगे चल के रेरा के आने के बाद काफ़ी चीज़ों पे हेल्प मिलेगी और प्रोजेक्ट भी टाइम पे बनेंगे, और फॉल्स बुकिंग वाले अपने आप हट जाएंगे, उन्हें पता है 1 साल की जेल हमें भी हो जाएगी अगर किस्तें नहीं देंगे तो। जब किस्त अगर मिलती रहेगी, देखिए बहुत कम बिल्डर ऐसे होते हैं जो कि जानबूझ के अपनी बेइज्जती करवाना चाहें। चलिए हम इस पर आएंगे, हमारे पास बहुत सारी दूसरी सूचनाएं भी हैं। एक सूचना ये भी है कि बिल्डर एक
प्रोजेक्ट में पैसा जमा करता है और उसको चार प्रोजेक्ट में बांट देता है, जाहिर सी बात है कि वो चारों में से एक भी प्रोजेक्ट अगर डिमांड कम हो जाए तो उसको पूरा नहीं कर सकता। मैं श्री राम खन्ना जी, आपके सामने कुछ मामले इस तरह के आए होंगे जिसमें बिल्डर्स जो हैं सीधे तौर पर लोगों को धोखा देते हैं, और क्या रेमेडी हो सकती है? मेरे सामने एक भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं आया जिसमें कंज्यूमर आके बोले कि इसने 3 साल का वायदा किया था और 3 साल में दे दिया। आमतौर पर कभी किसी कारण से, कभी किसी कारण से, कभी किसी कारण से वो टाइम पे डिलीवरी नहीं होती। हाँ, कुछ कारण जेन्युइन हो सकते हैं, मैं समझता हूँ, परंतु बारिश हुई मॉस्को में और छाता खोल लिया आपने गुड़गांव में, ये तो हो नहीं सकता। तो ऐसे ऐसे बहाने देते हैं। और फिर इन्होंने जितनी एग्रीमेंट बनाई हुई हैं, अभी 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 रहिजा साहब कह रहे थे कि इसमें से जो फेक बुकिंग वाले आ जाते हैं, मैंने कहा वाह, आप बिल्डर हो, आप पहचान सकते हो उनको, तो उनसे पैसा क्यों लेते हो? जब वो पैसा देता है तो बड़ा एकदम लपक के ले लेते हो और बाद में कहते हो ये फेक बिल्डर है, आप पैसा मत लो, आप जाके देखो वो कहाँ रह रहा है, उसके बाद घर है या नहीं, आप जानकारी लेते हो? नहीं, आप दफ्तर में बैठ के उससे पैसे लेते हो, रसीद काटते हो और आगे चल बनते हो। नहीं, वो पहला इंस्टॉलमेंट अगर नहीं देता है, दूसरा इंस्टॉलमेंट नहीं देता है, कैंसिल करिए और आगे चलिए, होनी चाहिए, आप बुकिंग कैंसिल करिए और आगे चलिए। परंतु सवाल यह है कि ये भी आसान नहीं है, ये भी लोग जो है ये कोई समाज सेवा करे तो आई नहीं है, ये केवल एक ही देवी है इनकी, वो है लक्ष्मी, जिसकी 24 घंटे और 365 दिन ये दिवाली मनाते हैं कि जय लक्ष्मी। तो बाई हुक और बाई क्रुक, जाहिर सी बात है कि ये किसी ना किसी तरह से पैसा कमाना चाहते हैं। और मैं एक ऐसे बिल्डर को भी जानता हूं जो जाकर चुनाव लड़ गए, मुझे ये बताया गया कि काफी बड़ी रकम उन्होंने उस चुनाव पर खर्च कर दी, पार्टी को चंदा के रूप में भी दिया ताकि उनको टिकट मिल सके। जाहिर सी बात है कि उनका जो प्रोजेक्ट है अब फंसा हुआ है, तो जो पैसा मकान पर लगना चाहिए था उसको साइफन ऑफ कर दिया गया, तो जब साइफन ऑफ किया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि प्रोजेक्ट जो है वो अटकेंगे ही, हम उस पर भी बात करेंगे। विनोद जी, ये देखा गया है कि मेनली तो ये राज्य सरकार का मामला है, राज्य सरकारें जो है इस पे तत्परता के साथ में कभी कार्रवाई के लिए आगे नहीं आती। सारे बिल्डर्स जो हैं वो मौज करते रहते हैं, जो काम पुलिस को करना चाहिए, जो काम आप FIR कराने जाइए कि ये फ्लैट नहीं दे रहे हैं 3 साल, तो कहेंगे कोई एक्ट ही नहीं है, कानूनी नहीं। वो आप दिखाइए उनको कि एक एग्रीमेंट हमसे किया है उन्होंने, उसमें कहा है कि 3 साल में दे देंगे, तो वो उसमें बताएंगे कि नहीं, उसमें लिखा हुआ है कि जिस दिन आपको आपके साथ एग्रीमेंट हुआ उसके 3 साल में देंगे। और बाद में जब पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस कहती है कि नहीं, इसके बाद एक और व्यक्ति से एग्रीमेंट हुआ है, वो 2012 की जगह 2015 में हुआ है, तो ये 15 से 3 साल जोड़ा जाएगा। लेकिन जो आदमी 2012 में पैसा दे चुका है उसका 12 से क्यों नहीं जोड़ा जाए? तो इस तरह के क्लॉज जो डालते हैं और उस पर जो राज्य सरकारें उदासीन बैठी रहती हैं, उसका क्या कारण है? देखिए, बात आपकी बिल्कुल ठीक है, जहाँ जहाँ बड़े बड़े बिल्डर्स हैं वो मिले हुए हैं राजनेताओं से और लोकल ब्यूरोक्रेसी से। अभी एक यादव सिंह केस CBI इन्वेस्टिगेट कर रही है जिसमें कि 2 प्रमुख नेताओं का नाम आता है और उनकी पॉलिटिकल पार्टीज का नाम आता है, और उसमें क्या नतीजा निकलेगा वो आएगा हमारे सामने। लेकिन आज के दिन उस केस के चलते इन लोगों की राजनीति जो है किस दिशा में जाएगी ये भी पता चल जाता है। दूसरी बात यह है कि अभी बातचीत हुई कि ये फेक लोगों को बेच देते हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी है बल्क परचेज होती है फ्लैट्स की। जब कोई नया प्रोजेक्ट शुरू होता है, मान लीजिए उसमें 1000 फ्लैट्स हैं, तो उसमें 200 फ्लैट या 250 फ्लैट बल्क परचेज कर लिए जाएंगे। वो जो बल्क परचेजर है वो इन्वेस्टर है एक्चुअली, वो जो सीड मनी होती है, क्योंकि बैंक लोन आप लेते हैं लेकिन जो और पैसा आपके पास आपको अपने तरफ से लगाना होता है वो इस तरह से उसकी उगराई की जाती है बिल्डर के द्वारा। और जब वो प्रोजेक्ट तैयार हो जाता है तो फिर लोग अगर जाते हैं खरीदने के लिए या पहले बुकिंग हो रही होती है, तो जब प्रोजेक्ट तैयार हो गया है उस वक्त ये जो बल्क परचेज फ्लैट्स हैं ये दुगने तिगने प्रीमियम पे बेचने की कोशिश की जाती है। ये सबसे बड़ा मैं समझता हूँ किसी भी सिटीजन के अधिकार का हनन है, क्योंकि जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है यूनाइटेड नेशंस का, यूनिवर्सल हाउसिंग 2030 तक सबके लिए, तमाम लोगों के लिए हाउसिंग 2030 तक, और आज जिस स्थान पे भारत खड़ा है मुझे नहीं लगता कि 2070 या 80 या 3000 तक भी आप
हम अपने देश के लोगों को घर दे सकते घर दे पाएंगे। ये एक महत्वपूर्ण बात है। अनु खान साहब, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, आप तो बायर्स की तरफ से संघर्ष करते रहे हैं, क्या क्या मुद्दे सामने आते हैं जब आप उनसे कहते हैं कि प्रोजेक्ट का टाइम पूरा हुआ है और फ्लैट दो? देखिए, सबसे पहले तो जो रहेजा साहब ने बोला है उसको हम बिल्कुल तरह बायर की तरफ से खारिज करते हैं कि कोई भी, मुझे एक भी बायर ऐसा नहीं दिखा है कि अभी तक मुझे ये बोला गया हो कि मैं अपनी पेमेंट नहीं दे सकता हूँ। सभी बायर अपनी पेमेंट देना चाहते हो, और दिल्ली NCR में सारे ही जितने भी प्रोजेक्ट हैं सब 95% पेमेंट उनकी जा चुकी है। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि पेमेंट नहीं बायर नहीं देता है। तो ये बिल्ड एक्चुअली क्या है कि बिल्डर पहले प्रोजेक्ट बेचता है, तो ज़्यादातर प्रोजेक्ट एंड यूजर ही लेता है, और दिल्ली NCR में ऐसा ही हुआ है कि एंड यूजर सबसे ज़्यादा हैं, और जो ये बात करते हैं कि एजेंटों ने ख़रीदा है वो बहुत कम है, जो एजेंटों ने फ्लैट इनके खरीदे हैं सबसे ज़्यादा एंड यूजर ने ही फ्लैट खरीदे हैं दिल्ली NCR में, और वो ही भुगत रहे हैं, उनको ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे जनता की तरफ से एक सवाल है। सर, मैं सुपरटेक का फ्लैट बायर हूँ। अभी रहेजा साहब ने कहा था कि जो बायर्स है वो अगर पेमेंट नहीं करता है तो उसको जेल होनी चाहिए, बहुत सारी बातें इन्होंने की। बायर्स अगर एक दिन भी पेमेंट लेट करता है तो ऑलरेडी बिल्डर 24% का वो ब्याज लेते ही लेते हैं। दूसरी बात, अगर थोड़ा और भी लेट हो जाए तो वो फ्लैट कैंसिल कर देते हैं। जो बायर जो किसानों की जो प्रॉब्लम नोएडा स्ट्रक्चर में आई थी, सारे बिल्डर्स ने एक दिन का भी अगर फॉल्ट हुआ, 100 रुपये का भी अगर किसी ने पेमेंट देरी से किया, उसका भी वो फ्लैट कैंसिल कर दिए थे। लेकिन तमाम नेफोवा या और भी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन वगैरह सब लोगों ने मिल करके स्ट्रगल किया, फिर उनकी वो हद तक किया गया। मेरा एक फ्लैट है इको विलेज 2 में, मैंने मई 2015 में सारा पेमेंट कर दिया, मैंने मेंटेनेंस अग्रीमेंट साइन कर दिए, मेरे पास NDC भी है जो कि मैं लेकर के भी आया हूँ, लेकिन आज तक फ्लैट मुझे नहीं मिला। लगभग एक साल होने जा रहा है और उनको फ्लैट नहीं मिला। रहेजा साहब, इसका तो जवाब ये इसका जवाब हम आपसे लेंगे। मैंने 100% पेमेंट कर दिया। अमित खेमका जी, इस तरह के जो मामले सामने आते हैं क्या हो सकता है? अगर आप कहेंगे कानूनी, मैं सलाह तो कानूनी तौर पर लूंगा, लेकिन बिल्डर तो हो सकता है कि अगले 2 साल में दे दे, लेकिन अगर वो कोर्ट चले जाएं तो 12-15 साल से कम में मिलेगा ही नहीं। देखिए, एक ना कॉफ़ी का कप अगर फैल जाए और आप ये कहें कि उस कॉफ़ी के कप को, उस कॉफ़ी को समेट लें और मैं इसको पीऊँगा भी, तो डिफ़िकल्टी आएगी। तो आप ये सोचें कि कोई काम आप जिस वक्त फ्लैट लेने जाते हैं और उस वक्त आप ये मान लें कि धोनी साहब कह रहे हैं कि ये फ़्लैट बहुत अच्छा है इसलिए मैं इस फ्लैट को ख़रीद लूँ, तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं एक नाइव एक्शन है बायर के पार्ट पे भी। मैं एक एग्जांपल हमेशा ये देता हूँ कि आप प्रॉपर्टी डीलर को 1 करोड़ के फ्लैट पे 2 लाख रुपए कमीशन देने को तैयार रहते हैं, लेकिन कितने लोग यहाँ जो बैठे हैं इन्होंने बिल्डर के डॉक्यूमेंट्स या बिल्डर के टाइटल या बिल्डर ने जो डॉक्यूमेंट्स इनको दिए उनमें पहले फ्लैट बुक करने से पहले उन्हें किसी वकील से जाके चेक कराया? मैं आप इन सबसे सवाल पूछना चाहता हूँ। एक भी सबसे ज्यादा केसेस वो होते हैं जहां पर कि मैं मान लेता हूं डिले हो सकता है, डिले के केस में कोर्ट जाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, आप सही कह रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम वहां होती है जहां पर कि बिल्डर के पास टाइटल भी नहीं होता है, जहां बिल्डर आउटराइट फ्रॉड कर रहा होता है लोगों के ऊपर, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। और उसके लिए कोई भी बायर, एक कहीं तो बायर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये चेक करे कि इस आदमी के पास में टाइटल है कि नहीं। आप नोएडा एक्सटेंशन के अंदर हजारों लोगों ने फ्लैट, आप यह भी देखिए कि अगर आप टाइटल की बात करेंगे तो वो आपको दिखा देगा। मुझे नहीं दिखा पाएगा, मैं आपको दिखा देगा। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं नोएडा एक्सटेंशन के पूरे सारे जितने बिल्डर्स हैं उन सब ने मात्र 10% पैसा जमा कराकर नोएडा अथॉरिटी के पास उन्होंने जमीन का कब्जा अथॉरिटी से ले लिया। आप इन बायर से ये पूछिए किसको ये मालूम था या किसने ये चेक करने की कोशिश की कि जो व्यक्ति सिर्फ 10% पैसा लेकर कब्जा लेकर बैठा है उसका टाइटल तो अभी है ही नहीं और आप उसे 100% पैसा दे रहे हो। आपको ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए?
मैं ये सवाल पूछता हूं आपसे, और किस बायर को इसमें से ये पता था कि इन लोगों के पास में इन्होंने सिर्फ 10% पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है? कहीं ना कहीं मैं ये मैं बिल्कुल बिल्डर्स को डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप सुनिए, आप एक बात बताइए कि ये अथॉरिटी का काम नहीं है कि अथॉरिटी वहां एक बोर्ड लगाए कि इनको टाइटल अभी नहीं दिया गया है? बिल्कुल, वो दूसरा सवाल है कि ये अथॉरिटीज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करने की बजाय बिल्डर्स की एजेंट्स बन गई हैं। जितनी भी अथॉरिटीज हैं, चाहे वो नोएडा अथॉरिटी है, चाहे वो डीडीए है, चाहे वो हुडा है, ये जितनी भी अथॉरिटीज हैं, ये बिल्डर्स के लिए काम करते हैं, ना कि बायर के लिए काम करते हैं। ये ठीक है, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं 100% एग्री हूं। मैंने आरटीआई लगाया है नोएडा अथॉरिटी में, और वहां से मुझे मालूम चला कि मेरा जो सुपरटेक में फ्लैट है वहां पे, उसके तीन ओरिजिनल मैप जो है वो 2010 में बनाए गए थे, 2012 में बिना कंसेंट लिए इन्होंने लेआउट में चेंज कर दिया। किसी भी बायर्स का उस समय कंसेंट ना तो प्राधिकरण ने मांगा और ना बिल्डर ने दिया उनको। फिर उन्होंने 2014 में भी चेंज किए। अब इन्होंने 2012 में क्या किया कि जो विला का लेन था वहाँ पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग खड़ा कर रहे हैं। जो 2010 में कुछ टावर ऐसे थे जिसमें 20 फ्लोर की अनुमति दी गई थी, बिना कंसेंट लिए 2012 में 25 फ्लोर तक इन्होंने ले लिया। उस समय भी कंसेंट किसी के पास किसी से हम लोग को मालूम ही नहीं था, तो हम लोग कंसेंट कहाँ पे देंगे 2014 में। अब इन्होंने क्या किया कि अथॉरिटी एफएआर तो बढ़ाती नहीं है, लेकिन इनको ज़्यादा मल्टी बनाने की परमिशन दे देती है। अब ये बिल्डर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 2012 में ग्रीन एरिया था और 2014 में इन्होंने रिवाइज मैप करके वहाँ पे लैंडस्केप कर दिया। जो लैंडस्केप का डेफिनेशन है और जो ग्रीन एरिया का डेफिनेशन है, वो दोनों बिल्कुल सेम है, जो कि 50% ऑफ ओपन एरिया होता है। उसमें क्या है कि प्लॉट एरिया जो आपको दिया गया था और हाउसिंग को अगर माइनस कर लीजिए तो जो 50% है उसमें आप ग्रीन एरिया करेंगे। इन्होंने क्या किया 2014 में, लैंडस्केप वर्ड पता नहीं कहाँ से इन लोगों ने इन्वेंशन किया है, लैंडस्केप का बहाने से ये क्या कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि 550 का एक ग्रीन एरिया है जो 2012 के मैप में था, इसको ये सीधे घटा के 50 मीटर सिर्फ ग्रीन एरिया दिखा रहे हैं, बाकी वो कार पार्किंग बना रहे हैं, कुछ और एमिनिटीज बना रहे हैं। चूंकि एफएआर एक्स्ट्रा टावर ये खड़ा कर रहे हैं, एक्स्ट्रा मंजिले खड़ा कर रहे हैं, तो बायर्स तो आएंगे ही आएंगे, तो उनके लिए कार पार्किंग कहाँ से देंगे? जो एफएआर बढ़ता है तो उसमें अथॉरिटी लैंड तो बढ़ा कर देती नहीं है, जो कार पार्किंग का जगह जो बेसमेंट है जो बन गया है वो बन गया है, एक्स्ट्रा वो कहाँ से लाएंगे? तो वो ग्रीन एरिया को रिड्यूस कर रहे हैं। पार्क है जो और सार्वजनिक सुविधाओं के लिए जगह छोड़ी गई है, उस पर वो बनाना शुरू कर देते हैं। वो खेमका जी की बात का प्रमाण है कि जो सरकारी एजेंसीज हैं वो बिल्डर्स के हाथों बिकी हुई हैं, और वो पब्लिक का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने की बजाय बिल्डर की कमर्शियल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रही हैं और बायर्स को गुमराह कर रही हैं। ये सारे सवाल, खेमका जी एक मिनट, आपने कहा कि जनता को जागरूक होना चाहिए, ये बात आपकी सही है कि जहां कहीं आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं आपको बहुत जागरूक होकर वो पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन आम तौर पर हम जैसे देशों में ऐसा नहीं होता, हर कोई नागरिक उतना जागरूक नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है। मैं आपको आपके सवालों के जवाब जो रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट पास हुआ है पार्लियामेंट में उसमें मौजूद हैं, जो आज के दिन ट्रैप जो आज के लिए बूबी ट्रैप लगाते हैं ये बिल्डर्स और ये अथॉरिटीज, वो उसके जवाब में आप कल को कोई नया प्रोजेक्ट लगा रहे हैं आपको उस अथॉरिटी की वेबसाइट पे पूरा ब्यौरा उसका देना पड़ेगा उन पे, उनके पास जब आप रजिस्टर करने जाएंगे प्रोजेक्ट, और वो क्या दे रहे हैं, क्या नहीं रख रहे, क्या ग्रीन एरिया है, क्या लैंडस्केपिंग है, सब उसमें ब्यौरा होगा, और अगर उसमें कोई तब्दीली होगी तो फिर जो बिल्डर है वो अकाउंटेबल होगा। और एक उसमें कमी है, एक कमी है उसमें कि हर स्टेट को अपनी रेगुलेटरी अथॉरिटी बनानी है, और कुछ चीज़ों में उनको स्टेट को कुछ पावर्स दी हुई हैं, जैसे कि 70% जो पैसा लेते हैं जनता से फ्लैट्स के लिए वो अभी आपको उसी प्रोजेक्ट में लगाना है, बाकी 30% आप दूसरे प्रोजेक्ट्स में लगा सकते हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स को छूट दी गई है कि इसमें थोड़ा फेरबदल करके उनको कुशन दे दे बिल्डर्स को। मेरा ये मानना है ईमानदारी स्टेट गवर्नमेंट्स की एक बड़ा इलेक्शन इशू बनना चाहिए इसको। देखिए आपने घोसला का घोसले की बात की, उससे पहले पिया का घर, घरौंदा, रोटी कपड़ा और मकान, ये जो घरों का मामला है, मकानों का मामला है, ये उतना ही पुराना है जितना कि पुराना ह्यूमैनिटी है, लोग हैं, हम जब से पैदा हुए जब से घर तलाशते रहते हैं।
तो मेरा यह मानना है कि यह बड़ा इलेक्शन इशू, इसको बनाना चाहिए किसी पॉलिटिकल पार्टी को, और पॉलिटिकल पार्टीज ना बनाएं तो आप लोग बनाएं कि ये जो हम घर खरीदते हैं उस पैसे की सुरक्षा का दायित्व हम पे कम, रियल एस्टेट वाले पर ज्यादा, और सरकार पे और अथॉरिटीज पे ज्यादा। विनोद जी, मैं आपको एक बिल्डर जो मेरे से परिचित हैं उनकी बताई हुई बात बताता हूँ। उन्होंने मुझे बताया कि कोई 5-7 साल पहले की बात है कि अगर फला इलाके में, मैं जानबूझकर इलाके का नाम नहीं ले रहा हूँ, आपको कंस्ट्रक्शन के लिए ज़मीन लेनी है और अथॉरिटी का रेट अगर 1,000 रुपये स्क्वायर मीटर है तो 1,000 रुपये स्क्वायर मीटर के हिसाब से जाकर वहाँ के मुख्यमंत्री के यहाँ जमा कर दीजिए कैश, और तब आपको ज़मीन का अलॉटमेंट हो जाएगा। इसी बीच सरकार बदल गई, कुछ लोगों ने अलॉटमेंट करा लिए, सरकार बदल गई तो दूसरी पार्टी की जो सरकार आई उनको भी पैसा चाहिए था, तो सारे प्रोजेक्ट बंद होने लगे। तो मैंने उनसे पूछा कि कैसे चलाया इस, फिर चालू हो गया कैसे चलाया, तो उन्होंने जी हमने पहले जो है FAR कम था, हमने इनसे कहा कि आप FAR बढ़ा दो और आप और पैसे ले लो। तो आप कहते हैं कि चुनाव का मुद्दा बनना चाहिए, लेकिन हमारा जो निजी अनुभव कहता है कि ये मिले हुए हैं करप्शन। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्रियों के रिश्तेदारों के बारे में खुलेआम चर्चा होती है, हरियाणा के बारे में चर्चा होती है कि इनके भाई का पैसा लगा हुआ है इस प्रोजेक्ट में, फलां का पैसा लगा हुआ है इस प्रोजेक्ट में, फलां नेता का पैसा लगा हुआ है इस प्रोजेक्ट में। हमारे देश में इनकम टैक्स और CBI और ये तो उसको ढूंढ नहीं पाता, लेकिन आप जरा एक बार नोएडा में घूम जाइए, किसका कहां पैसा लगा हुआ है वो बता देंगे। तो जो नेता अपना पैसा बिल्डर्स के साथ लगा रहे हैं, क्योंकि इसमें प्रॉफिट बहुत है, मुझे वो वही बिल्डर बता रहे थे कि मकान जो हम बेचते हैं 100% से लेके 150% का प्रॉफिट मार्जिन अगर नहीं हो तो हम ये काम कर ही नहीं सकते। माफ कीजिएगा, ज्यादा सही आप बताएंगे कि 100 से 150% के मार्जिन पर काम करते हैं, हर कदम पे पैसा देना है। जो प्रोजेक्ट है आप तो कॉस्ट वो देख रहे हो, आपने ये देख लिया कि 1,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर मैंने दिया है और इसलिए जमीन की कीमत ये हुई, 1,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर मैंने और दिया है। देखिए तो, ये कंज्यूमर मूवमेंट चलनी पड़ेगी इस देश में, जिस देश में कंज्यूमर जागरूक, जागो ग्राहक जागो रोज टेलीविजन पे चलता है। हम तो वही बात कह रहे हैं कि ग्राहक जब जागेगा तो फिर नेता भागेगा, ऐसे काम नहीं करेगा। आप समझिए ना इस बात को, आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, और ये सच्चाई है। अपने अधिकारों के लिए जब तक हम लोग नहीं लड़ेंगे हमको वो निज़ाम नहीं मिलेगा जो हमको चाहिए, जो हमको मिलना चाहिए। मैं शर्मा जी की बात का 100% समर्थन करता हूँ, क्योंकि जब तक जिस पर जाति हो रही है वो नहीं आवाज़ निकालेगा, वो कराएगा नहीं और चिल्लाएगा नहीं और प्रोटेस्ट नहीं करेगा, तब तक कोई नहीं। यहाँ तो अपने देश में तो भगवान भी नहीं सुनता जब तक आप उसके मंदिर में जाके घंटी बजाओ, चढ़ावा नहीं सुनती जब तक बच्चा रोता नहीं, दूध नहीं देती उसको। तो जो लेकिन ये सब बातें तो आप बातें ये सही कह रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ स्थिति क्या है? अगर स्थिति ये है कि आपको कानून से कोई राहत नहीं मिल सकती, अगर आप मकान का पोजीशन लेने के लिए कोर्ट चले जाएं तो CJM से लेकर के हाई कोर्ट या हो सकता है सुप्रीम कोर्ट तक 12-15 साल आराम से कट जाएंगे, बिल्डर और बस्ती में। मैं इसलिए कह रहा हूं, तो जाहिर सी बात है कि सरकार जब सुरक्षा नहीं देती, और सरकार सुरक्षा देगी नहीं क्योंकि बहुत सारी लगभग सभी पार्टियों को बिल्डर्स से फंड मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है और सभी पार्टियों के लोग उस उनके बिल्डर्स के प्रोजेक्ट में शामिल है। और क्या मैं यहां नाम लेना नहीं चाहता, नहीं तो नाम लेके बताया जा सकता है, जब हम रिपोर्टिंग के लिए जाते हैं तो वो बिल्डर ही बता देता है कि अरे यहाँ पैसा नहीं डूबेगा, यहाँ तो फला नेताजी का अभी लगा हुआ है। देखिए आप आज की हकीकत यही है कि ये सरकार जो है वो बिल्डर ही चलाते हैं, ये आज की प्रॉब्लम हकीकत है। देखिए जो ये बात कह रहे हैं वो दुरुस्त है, परंतु उसका एक ही इलाज है कि लोगों पब्लिक को आवाज उठानी पड़ेगी ना, कचहरी में 15 साल बिताना चाहता है कोई, पैसा अलग लगेगा और उसके बाद क्या होगा वो भी अनसर्टेन है, और बिल्डर सरकार पे अंकुश डाले हैं। अभी इन्होंने कहा कि भाई जो रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट आया इससे बदलेगा, मैं कहता हूं अगर आप सोए रहे तो वो भी नहीं बदलेगा। जिस तरह इन्होंने अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज को अपने कब्जे में कर लिया, उस तरह रेगुलेटरी अथॉरिटीज को भी कब्जे में कर लेंगे तो क्या करोगे आप? इसलिए जब तक आप जागोगे नहीं, जब तक आप लड़ाई नहीं करोगे, अपनी आवाज नहीं उठाओगे हर प्रदेश में,
अब मैं गिनना चाहता हूं, देखना चाहता हूं कि किस प्रदेश में सबसे पहले अथॉरिटी बनती है। बिल्कुल सही बात है। अभी तो ये स्टेट गवर्नमेंट्स हो जाएंगी जी, उनके खिलाफ मुकदमे करने पड़ेंगे कि भी तुमने क्यों नहीं बनाई अथॉरिटी, नहीं बनाई है। जाहिर सी बात है कि वो अपना कंट्रोल अपने हाथ से नहीं निकल। कमीशन नहीं है स्टेट गवर्नमेंट का कई जगह पे। बिल्कुल, मैं देखिए आपकी बिल्कुल बात सही है। बड़े बड़े वकीलों की इन्वेस्टमेंट छोड़िए, तो आप राजनेताओं की बात करते हैं, बड़े बड़े वकीलों की इन्वेस्टमेंट्स हैं। ये जो कुछ वर्ष पहले ये जो एक बहुत बड़ा अभियान शुरू हुआ था एक बड़ी कोर्ट के निर्देश पे, के भी तो बात करें कि जो ये नोएडा एक्सटेंशन में, नोएडा एक्सटेंशन में कम से कम 10 प्रोजेक्ट मैं बता सकता हूं जिसमें कि जर्नलिस्ट ने नौकरी छोड़ के वहां पे पार्टनरशिप कर रहे हैं। हो सकता है ये आप ये ना कहें कि ये पॉलिटिशियन है। देखिए सर, मैं कम से कम 10 प्रोजेक्ट पर मुझे तो प्लीज ये मत कहें कि वकीलों के हैं कि पॉलिटिशियंस के हैं। बात ये है कि हमारे समाज में लालच, हमारे समाज में लालच बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। हम नाम बताइए। ऑफ कोर्स वी विल टेल। बताइए नाम, बताइए। ऑफ कोर्स हम बैठे हैं, आप नाम बताइए। बिल्कुल, आप बात शुरू करें। जर्नलिस्ट अपने लिए नाम बताइए। जर्नलिस्ट जी, पहले जर्नलिस्ट नाम, जर्नलिस्ट जो है अपने लिए, देखिए इसमें इसमें एक बहुत बहुत सीधी सी बात है। जो जर्नलिस्ट नौकरी करते हैं आमतौर पर उनके पास इतना सरप्लस नहीं है कि वो वहां। आप डिफेंसिव पे मत जाइए। बात ये मैं करना चाहता हूं, मैं किसी का नाम लेके उसको उछालना नहीं चाहता हूं, और शायद शर्मा जी भी नहीं उछालना चाहते किसी वकील का नाम। बात ये है कि बात ये है साहब कि हमारे समाज में लालच, वो लालच किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी तक सीमित नहीं है। बात यह है कि ग्राहक जो इन्वेस्ट करने जा रहा है वो भी आंखें बंद इसलिए नहीं करता है कि वो ना समझ है, वो भी लालच के वशीभूत होकर करता है। जब एडवर्टाइजमेंट ये कहता है कि इस पे 24% के रेट पे किराया मिलेगा, वो इन्वेस्टमेंट उस लालच के वशीभूत होता है। उस वक्त आंखें इसलिए बंद होती हैं कि बिल्डर सब्जबाग दिखाता है। अदरवाइज आप मुझे ये बताइए, ये क्या इन्होंने जब बुक कराया फ्लैट तो बिल्डर ने सुपर एरिया के रेट पे दिया, तो क्या इन्होंने बिल्डर से यह पूछा कि आप हमें कार्पेट एरिया का रेट बताइए, हमें सुपर एरिया का रेट नहीं चाहिए। और अगर आप सुपर एरिया का रेट दे रहे हैं तो कितने परसेंट कार्पेट एरिया होगा, उससे पहले मैं बुकिंग नहीं कराऊंगा, क्या इन्होंने पूछा सर? उसमें आप आंखें बंद करके अगर कोई काम करेंगे और फिर कहेंगे कि कानून आपको, लेकिन आजकल बहुत सारे बिल्डर इसको लिख के दे रहे हैं। कोई काम करेंगे, कोई भी फ्लैट नहीं ले सकता है वहां पर। मत लीजिए, आपको इसका मतलब यह है कि वो आदमी फ्रॉड कर रहा है, आप लालच के वशीभूत। फ्लैट ही नहीं लेगा वहां पर। सुनिए सुनिए, बिल्डर पहले लैंड पे लोन लेता है, फिर उसकी बिल्डिंग बनाने के लिए प्रोजेक्ट लोन लेता है, फिर आपका घर तैयार हो जाता है, आप अपना बैंक पहुंच जाते हो फ्लैट खरीदने के लिए, तीसरा लोन ले लेते हो। कल को जब ये अभी आप देख रहे ना नोएडा, 50% ज्यादा मिसफायर होगा, मैं आपको आज ये स्टेटमेंट देके जा रहा हूं, और आप पता क्या चलेगा कि एक फ्लैट 3 लोन नहीं उतार पाएगा, ना तो लैंड का जो आप कह रहे 10% देके और बाकी अभी देना है 90%, और जो कंस्ट्रक्शन के लिए एजेंसी से लोन लिया गया है, क्या आप सीमेंट और रोड़ी निकाल के तोड़ के वापस बेचेंगे? नहीं बेच सकते। तीसरा फ्लैट का लोन है, 3 लोन एक फ्लैट नहीं उतार सकता। और बायर जो है ना, मैंने अच्छा, इसमें कितनी सच्चाई है? कैंपागोला सोसाइटी के इंटरव्यू में मैंने यही बोला था, पॉलिटिशियन को पैसा लोन होते हैं एक फ्लैट पे और कोई बायर नहीं देखता। नहीं, इसमें कितनी सच्चाई है कि पॉलिटिशियंस को पैसा देके लैंड अलॉट कराया जाता है? बिना पैसा दिए कोई इस उत्तर भारत में लाइसेंस नहीं मिलता, चाहे वो हरियाणा हो चाहे वो यूपी हो, मुझे पकड़वाना कोई पकड़वा ले। हम लोग शायद मुद्दे से, माजर चाहता हूँ आपसे खेमका जी, हम मुद्दे से ना भटके, हम एक्सेप्शंस को ना साइट करें, हम रूल को साइट करें। सर रूल ये है सर, मेरी बात लालच है सर। सर प्लीज, रूल ग्रीड है सर, प्लीज ग्रीड सबसे बड़ा रूल है, आंखें बंद करना सबसे बड़ा रूल है। आप धोनी के कहने से, मुझे ये बताइए साहब कि धोनी के कहने से आप फ्लैट क्यों खरीद रहे हैं? नहीं, मैं धोनी एक्सपर्ट है रियल एस्टेट सर, वही करोड़ों रुपया बिल्डिंग में लगाते हैं, धोनी को दिया क्यों? नहीं, मैं आप फ्लैट खरीद क्यों रहे हैं धोनी के कहने से? वो रियल एस्टेट का एक्सपर्ट है, कानून का एक्सपर्ट है। हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं, और प्लस हम देखते हैं कि ये बिल्डर, इसने भी कुछ प्रोजेक्ट, क्योंकि हर बिल्डर शुरू के एक दो प्रोजेक्ट बहुत अच्छी तरह से डिलीवर करता है, ऑन टाइम, कॉस्ट ठीक, क्वालिटी ठीक, सब कुछ ठीक होता है, बाद के प्रोजेक्ट्स में वो करता है।
सर हम प्रॉपर्टी डीलिंग को सेलिब्रिटी से साइड क्यों नहीं रखते हैं सर? उस घर में जाके वो सेलिब्रिटी नहीं रहता है सर, एक कॉमन पर्सन रहता है, तो सर उसको लेकर ही क्यों आते हो? उसको तो तुम पैसे देते हो ऐड के लिए, लेकिन बाद में जो भुगतान है वो तो हमें भुगतना पड़ता है ना। वो पैसे आप ही देते हो मैडम, जाहिर सी बात है कि वो हमको ही देना पड़ता है, फ्लैट की कॉस्ट में लगते हैं वो पैसे। देखिए आप मेरी, अच्छा विनोद जी एक मिनट लूंगा मैं। इन्होंने सवाल जो उठाया सेलिब्रिटी के नाम पर, धोनी जो हैं वो अम्रपाली के ब्रांड एम्बेसडर थे, आज की तारीख में थे, इसलिए कह रहा हूं कि कल उन्होंने घोषणा कर दी कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और अम्रपाली के जो चेयरमैन हैं अनिल कुमार शर्मा, हमने कुछ देर पहले इनसे पूछा कि आपने धोनी का नाम इस्तेमाल करके और क्यों बुकिंग की, तो देखिए कि वो क्या जवाब दे रहे हैं। उनका जवाब अभी आपके सामने आ रहा है। देखिए इसमें तो हमने पहले भी कहा है और आज भी मैं कह रहा हूँ कि ब्रांड एम्बेसडर का रोल सीमित है। ब्रांड एम्बेसडर का रोल सिर्फ इसलिए होता है कि अगर आपकी कंपनी है उस कंपनी का रीच लोगों तक पहुँचे जाने। इच्छा तो आपकी होती है कि आप हमारे यहाँ आए हैं, हमारे यहाँ कैसे आते हैं, किस संबंध में आते हैं, किस तरीके से आते हैं। अगर आपको लगा कि हमें अफोर्डेबल, 2005 से पहले नोएडा में कोई भी मिडिल क्लास घर नहीं खरीदने के था के लायक थे, उनकी मतलब क्रेडिट वर्दीनेस नहीं थी। और हम लोगों ने एक मुहिम चलाया था कि अफोर्डेबल होम में लोगों को नोएडा में या ग्रेटर नोएडा में घर मिले। और अगर हमने ब्रांड एम्बेसडर लिया था तो हमारी सिर्फ इतनी ही मंशा थी कि कम से कम लोग जाने कि ये कौन सी कंपनी है, क्या काम करती है, और वो हमारे पास तक आए। बस यही लिमिटेड रोल रहता है, क्योंकि किसी ब्रांड एम्बेसडर का इंटरफेरेंस कंपनी के डे टू डे वर्किंग में नहीं होती है। अब मैं इसके लिए खेद व्यक्त करता हूँ कि इतने बड़े स्टार को हमारे कुछ कमियों की वजह से, हालांकि मैं उस कमी को इस तरह स्वीकार नहीं करता हूँ, लेकिन जो भी अगर लोग कहते हैं तो उसके लिए उनके लिए उनके नाम के ऊपर या उनके कहने के ऊपर जो सवालात उठाए गए वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सबों के दिल में है। आज हमारे लिए उन्होंने कोई एडवर्टीजमेंट किया हो या दिया हो, उससे उनकी छवि पर ये नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो एक बड़े सच्चे और अच्छे इंसान हैं। अनिल जी बातें बहुत अच्छी करते हैं, हम तो चाहते थे कि वो स्टूडियो में आए और जो जनता है, जो समस्या से पीड़ित है, उसके सवालों का जवाब दे, वो आए नहीं। तो हमने एक सवाल तो इनसे धोनी पर पूछा और दूसरा सवाल ये भी पूछ लिया कि आखिरकार आप अपने फ्लैट जो हैं, जो वादा किया था आपने, उनको डिलीवर क्यों नहीं कर रहे हैं? तो जरा देखिए कि अब वो क्या जवाब देते हैं। पहले तो मैं ये कह दूं कि नोएडा के ग्रेटर नोएडा में कुछ एक प्रोजेक्ट हैं जो बिल्कुल कंप्लीट हैं, रह रहे हैं, कुछ की रजिस्ट्री भी हो गई है और चल रही है। और हम लोग जान रहे हैं कि 2011-12 के बाद जो पूरा एरिया था नोएडा या ग्रेटर नोएडा, उसमें काफ़ी विवाद रहे हैं कई कारणों से, कभी एजिटेशन रहा है, कभी किसी कारण से बंद रहा है। तो 2015 में जा कर के ये चीज़ें स्पष्ट हुई कि 2015 में प्रोजेक्ट खुले। अब 4 साल 3 साल 5 साल इस तरह का जो गैप रहा, उस गैप में जितने भी बायर्स थे हमारे रिस्पेक्टेबल थे, हमने उनको यही प्रॉमिस भी किया था कि मैंने आपका प्राइस नहीं बढ़ाया, क्योंकि जब टाइम ओवर रन होता है तो कॉस्ट ओवर रन होता है, समय को तो हम स्क्वीज नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो उसमें हमें घाटा हुआ या हमें जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हुए उसको हमने सोल्जर किया, हमने पास ऑन नहीं किया। अब 2015 के बाद से प्रोजेक्ट खुले, हम लोगों ने 2017 से पोजिशन देने की शुरुआत करने जा रहे हैं। 2016 में भी हम लोग कुछ पोजीशन दे रहे हैं, देने वाले हैं, और 2016 के बिगिनिंग में भी हम लोग कुछ पोजीशन दे रहे हैं। 2016 तक और 17 तक की बात कर रहे हैं अनिल शर्मा जी, बहुत सारे प्रोजेक्ट फंसे हुए हैं। और ये पूरा का पूरा मुद्दा तब सामने आया जब जो अम्रपाली के बायर्स थे उन्होंने ट्विटर और फेसबुक पर और जो भी सोशल मीडिया है उसमें धोनी को टैग करना शुरू किया था और ये कहा था कि धोनी जी हमारा घर हमको दिलवाइए। और तब जाकर धोनी ने एक स्टेटमेंट भी दिया जिसमें उन्होंने कहा कि मैं बात करूंगा, उनको फ्लैट मिलना चाहिए। और फिर उसके बाद आगे जो स्थितियां बनी वो हमारे सामने हैं। अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, उनकी पत्नी और अनिल शर्मा जी की एक ज्वाइंट कंपनी है, अब उस कंपनी को भी डिसॉल्व करने की बात चल रही है। लेकिन
सवाल इसका नहीं है कि कौन किसको इंडोर्स कर रहा है, सवाल इसका है कि बिल्डर पैसे नहीं दे रहे हैं। एक आदमी ये सोचकर मकान में पैसे लगाता है कि 3 साल में मैं किराया भी दूंगा, ईएमआई भी दूंगा और 3 साल के बाद अपने मकान में रहूंगा तो सिर्फ ईएमआई दूंगा, किराया नहीं देना पड़ेगा। आज वो सारे लोग परेशान हैं। रहेजा जी, ये इस बात में कितनी सच्चाई है कि सारे बिल्डर्स ने जो जिनके पास 1000 मकान बनाने की कैपेसिटी है उन्होंने 10,000 मकानों के प्रोजेक्ट शुरू किए हुए हैं और 1000 का जो पैसा आया है उसको 10,000 में बांट दिया है और ये डिले का सबसे बड़ा कारण है। आई एग्री विद यू। ओवर ट्रेडिंग जो बहुत बड़ा एक मेजर कॉज है उत्तर भारत में, आप गुड़गांव में देखिए जिसकी कैपेसिटी नहीं, नोएडा में देखिए इतने इतने प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च कर दिए जबकि उनके पास पीछे से कोई बैकअप नहीं है, ऊपर से पता है कि कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अब बिल्डर को लोन भी नहीं देता, तो इनको नए प्रोजेक्ट अनाउंस ही नहीं करने चाहिए, पहले पुराने प्रोजेक्टों को खत्म करके हैंड ओवर करना चाहिए। आई 100% एग्री विद दैट। और उतनी ही कैपेसिटी से काम करना चाहिए जितना उनके पास रिसोर्सेज हैं। करप्शन है, पॉलिटिशियन इन्वॉल्व हैं और प्रॉब्लम्स हैं, गवर्नमेंट मशीनरीज हैं एंड दे आर नॉट एबल टू हैंडल थिंग्स। बिल्कुल सही है। और मुझे एक, और अभी सर एक मिनट, मैंने फिनिश नहीं किया, अभी जो अधूरे प्रोजेक्ट पड़े ना, हम जो जिस मुद्दे को डिस्कस कर रहे हैं ना, ये बड़ा छोटा मुद्दा है सर, आगे चल के ये बिल्डिंगें बननी नहीं है, ये ऐसे ही रहनी है, ये आप याद रखिएगा कि सुरेश रेजा आके ये बोल के गया था। और देखना कितनी कोर्ट केसेस बनेंगे, कितने बवाल उठने वाले हैं अभी नियर फ्यूचर में और कितना कुछ खराब होने वाला है। ये तो और गंभीर चेतावनी है, आप तो ये कह रहे हैं, मैं इसे एग्री करता हूं, क्योंकि रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बिल जिस दिन नोटिफाई हो गया उसके अंदर ये पावर है और कि प्रीवियस बिल्डिंग भी आ जाएगी, जो इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट हैं जिनकी पोजीशन नहीं देगी सारे उसके तहत में आ जाएंगे। हाँ जी, उनको डिक्लेरेशन करनी पड़ेगी, पैसा उनके पास होगा नहीं क्योंकि यहाँ से पैसा लेकर कहीं और डाल दिया और वो बिल्डिंग बनेगी नहीं, अब बिल्डर बायर बोलेगा मुझे दो, तो उनके पास पावर है कि इस बिल्डिंग को कंप्लीट कराने के लिए थर्ड पार्टी को बुला सके। और जब लोगों की जमीनें और बिल्डिंगें सरकार के कब्जे में आएंगी कंप्लीट करने के लिए, तब और हाहाकार मचेगा, कचहरियों में मुकदमे जाएंगे। तो ये जो कह रहे हैं ये होने वाला है, परंतु वो ये बात तय है, कचहरियों में से आपको न्याय मिलेगा तो आधी जिंदगी निकल जाएगी, आपके पास और कोई रास्ता नहीं है, झंडा उठाना पड़ेगा और ट्विटर पे, फेसबुक पे, सड़कों पे शोर मचाना पड़ेगा, जागो ग्राहक जागो। और ये अमरपाली का जो केस है, ये अमरपाली का केस है, ये केस स्टडी है कंज्यूमर मूवमेंट के लिए। आपको कुछ नहीं करना है, ट्विटर पे आ जाइए, हैंडल चलाइए और जनता को जगाइए और जो गलत काम कर रहा है उसको नंगा करिए। और दूसरी बात, ये जो रेगुलेटरी अथॉरिटी बिल है इसमें सिविल कोर्ट्स को एक्सक्लूड किया गया सर, जहां तक डिस्प्यूट्स की बात है कि पोजीशन नहीं मिल रहा वहां पर, आप ट्राइब्यूनल्स और कंज्यूमर कोर्ट्स, वहां फैसला कंज्यूमर कोर्ट्स करेंगे और ट्राइब्यूनल्स करेंगे, सिविल कोर्ट में जाने का अधिकार नहीं है। तो मैं समझता हूं कि सर एक मिनट, इस डिस्कशन से हमको इस संजीदगी से करनी चाहिए, और ये मैं निवेदन खेमका जी से भी करता हूं कि वन अपमैनशिप नहीं, द पीपल शुड टेक समथिंग अवे फ्रॉम दिस डिस्कशन। उनको हम एम्पावर करें, उनको नॉलेज दे के इन लोगों को एम्पावर करें कि आपको आगे क्या करना है, बावजूद इसके कि किसके फ्लैट वहां पर है और किसके फ्लैट यहां पर है। तो मैं निवेदन करता हूं, हालांकि इससे कोर्ट केसेस कम होंगे, खेमका जी का थोड़ा सा व्यवसाय कम होगा, लेकिन खुश होंगे खेमका जी भी कि लोग एम्पावर हुए हैं बावजूद इसके कि देखिए ये जो कह रहे हैं शर्मा जी, जी, जी मैं एक मिनट में जरा, हम देखते हैं कि जो रियल एस्टेट बिल जो कानून पास हुआ है उसमें मुख्य प्रोविजन क्या है। अब तक तो जो कंज्यूमर है ये मान के चल रहा था कि इस बिल के पास होते ही जो है बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। तो जरा देखिए कि क्या कहता है रियल एस्टेट बिल कानून बन गया है सॉरी। बिल्डरों को अब तय सीमा के भीतर घर देना पड़ेगा, एक बात तो ये है। प्रॉपर्टी एजेंट का रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, जो बिल्कुल जरूरी है। अब इसमें जो सवाल आप सभी लोग उठा रहे थे कि सभी राज्यों में रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का गठन करना होगा, अब कंज्यूमर मूवमेंट राज्य सरकारें फोर्स किया जाए, जाहिर सी बात जल्दी से जल्दी करो कि जो राज्य सरकारें जहां पर यह सीधा आरोप लग रहा है कि सरकार पैसे ले लेती है बिल्डर से, वो पता नहीं ठीक वैसे ही होगा शायद कि जैसे कुछ राज्यों ने लोकपाल नहीं बनाया, डिले करते रहे, बनाया ही नहीं तो वैसे ही छोड़ देंगे, और फिर एक राज्य में तो अभी सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद बना है, जब कोर्ट ने कहा कि नहीं करोगे आप तो हम कर देंगे और कोर्ट ने कर दिया, तो जाहिर सी बात है कि कौन कौन से राज्य
ये रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाएंगे और जो सेंट्रल एक्ट है उसके बाद जो वो उपनियम बनाएंगे उसमें वो बिल्डर को और बिल्डर ही क्यों, मैं कहता हूं कि जो जो रहेजा जी ने सवाल उठाया कि कुछ लोग डिफॉल्टर हो जाते हैं, तो जो डिफॉल्टर बायर्स हैं दोनों को उन पे शिकंजा कसने के लिए वो क्या कर सकते हैं? इसमें खरीदारों की शिकायतों की सुनवाई जल्द की जाएगी, हाउसिंग प्रोजेक्ट के जल्द क्लियरेंस के लिए सिंगल विंडो सिस्टम होगा, ये बिल्डर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बिल्डर जितनी बार जो कुछ करवाने जाता है उसका दक्षिणा अलग से देना होता है, यानी जमीन लेने के लिए गया तो दक्षिणा दीजिए, अगर वो फिर उसके बाद मैप पास कराने के लिए जाता है तो दक्षिणा दीजिए, उसके बाद वो कंस्ट्रक्शन में और जो चीज़ें हैं वो उसके लिए परमिशन लेने जाता है तो पैसे दीजिए, और इसलिए बिल्डर साफ कहते हैं कि हम 150% से कम के मार्जिन पर इस धंधे को कर ही नहीं सकते। तो शायद अब जब सिंगल विंडो क्लियरेंस होगा और बिल्डर को जल्दी परमिशन मिलने लगेगा तो थोड़ी स्थिति जो है अच्छी होगी। इस ये नियम जो है वो कमर्शियल प्रॉपर्टी पर भी लागू किए जाएंगे। जी अभी आता हूं मैं। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात की गई है, प्लान में बदलाव से पहले जो 2/3 जो ग्राहक हैं उनका उनसे सहमति जरूर लेनी होगी। ये जो आप अभी सुनते रहते हैं कि एक बिल्डर ने पार्क को पहले तो पार्क दिखाया और पार्क दिखाने के बाद FAR बढ़ाकर उसको फिर उसके बाद वहां पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना दी, एक को तो तोड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी दे दिया है यहीं नोएडा में, नंबर ऑफ स्टोरीज बढ़ गई जी। और कारपेट एरिया की जानकारी भी खरीदारों को पहले से देनी होगी। जाहिर सी बात है कि बिल्डर जो है सुपर एरिया पर मकान बेच देते हैं और ये नहीं बताते कि सुपर एरिया का मतलब होता है कि उसमें बरामदे, उसमें बहुत सारी चीज़ें, सीढ़ियाँ, सब कुछ शामिल हो जाती हैं, और जो बायर है वो ये समझ नहीं पाता है कि सुपर एरिया में से हमको असल में कितना मिलेगा रहने के लिए, वो पता चलता है कारपेट एरिया के जरिए, यानी घर के अंदर अंदर कितना स्पेस आपको मिलता है। कायदे से बिल्डर को ये भी बताना चाहिए, प्लिंथ एरिया भी बताना चाहिए, सुपर एरिया भी बताना चाहिए, पर वो सुपर एरिया चूंकि ज्यादा दिखता है इसलिए वही बता करके करते रहते हैं। एक सवाल जी सर, सबसे बड़ी तो मैं पहले ही कहना चाहूंगा ये बड़ी शर्म की बात है कि आजादी के 70 साल होने वाले हैं लेकिन हमारे देश में इस पर अभी कोई बिल नहीं बना है कि बिल्डर्स अपनी मनमानी करते रहें और जनता के लिए कोई बिल अभी अभी कानून बन गया। बड़ी शर्म की बात, मार्च में इसी मार्च में संसद ने उसको पास किया और 25 मार्च को गजट नोटिफिकेशन हो गया, इसलिए सेंट्रल एक्ट तो बन गया। अब जाके उसका दूसरा हिस्सा है कि रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाए जाएं जो राज्य सरकारों को बनाना है, वो देखना है कि वो कितने दिनों में बनाते हैं। अलग अलग वैसे सारे राज्यों में बने हुए हैं, यूपी अपार्टमेंट एक्ट बना हुआ है उत्तर प्रदेश में पहले से, लेकिन ये सरकार की बात हो रही है भाई, नहीं इस तरीके के अपार्टमेंट एक्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी, हालांकि वो जो एक्ट है यूपी अपार्टमेंट एक्ट उनमें भी बहुत सारे रेगुलेटरी अथॉरिटी हो, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी हो, वो तो एक्ट को तो सरकार ही चलाएगी ना, वही नोएडा वाले ही चलाएंगे या क्या कहते हैं DDA वाले चलाएंगे या गुड़गांव वाले चलाएंगे, जो हुडा वाले चलाएंगे, अगर जो स्टेट गवर्नमेंट के एक्ट है। ये रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है ये दूसरा स्वरूप है भाई कंट्रोल का, ताकि इन लोगों को सहूलियत मिले, जैसे TRAI है जो टेलीकॉम रेगुलेट करते हैं, तो एटलीस्ट कम से कम एक इंडिपेंडेंट फोरम सुनवाई का जरिया बनेगा कि कम से कम किसी के पास जाके शिकायत कर सको कि भैया ये गड़बड़ हो रही है, इसको रोकिए, ट्विटर वॉर चलाइए बस। देखिए घपला हो वो ट्विटर वॉर देखिए, जब तक आप शोर नहीं बचाएंगे। और मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि जितने लोग खरीदार हैं ये बताएंगे कि लोगों को एक एसोसिएशन में बांधने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ती है, जितनी मशक्कत रिंग मास्टर करता है शेरों को इकट्ठा करने के लिए ना सर्कस में, उससे ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है बायर्स को एक कमरे में बैठा के और एक ओपिनियन बनाने में। कोई आदमी एक पल में बनना ही नहीं चाहता, हर आदमी इंडिविजुअल बात करता है। जब तक आप अपनी एसोसिएशंस नहीं बनाओगे, तब आपकी आवाज इकट्ठी नहीं होगी, तब तक बिल्डर भी आपकी नहीं सुनेगा। जाहिर सी बात है कि लोकतंत्र में जो है हमारा हर कानून में यह भी लिखा है कि जितने भी अपार्टमेंट्स बन रहे हैं अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन जिस दिन बिल्डिंग बने उसके बाद हैंडओवर करते हैं एसोसिएशन बना के और उसकी मेंटेनेंस उसके हाथ में देते हैं जी। 90% बिल्डिंग्स ने बिल्डर्स ने ये धंधा अपने हाथ में रखा हुआ है और एसोसिएशंस के को ये कंट्रोल दिया नहीं है, इसको भी इंप्लीमेंट करवाने की जरूरत है। और एसोसिएशंस जब बनेंगी बायर्स की वो बिल्डिंग बनने के बाद नहीं बननी चाहिए, जैसे प्रोजेक्ट शुरू हो और बायर एसोसिएशन मांग खड़ी हो जाए पहले दिन ही पहले दिन बन जाए वो
ताकि सबको पता लगे कि कोई एक दूसरे को बेवकूफ बना रहे हैं। जाहिर सी बात है, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज में होता है कि मेंबर्स पहले से तय हैं, उनके पदाधिकारी इस मामले में वो बिल्डिंग नहीं बनाएंगे, उसका सुपरविजन कर सकते हैं और वो देख सकते हैं कि काम सही हो रहा है कि नहीं और उसमें रफ्तार जो कहा गया है वही से करना पड़ेगा। हो हल्ले से, शोर शराबे से, 20 आवाजों से नहीं होगा, सबको मिलके एक सुर में बोलना पड़ेगा, तब तो बात चलेगी। और अगर शोर शराबा हुआ और किसी की बात कोई सुनी नहीं गई तो जाहिर है सब बेकार चला जाएगा। सोसाइटी जो बनती है ना वो वैलिडिटी सिर्फ एक साल होनी चाहिए। मेरा एक क्वेश्चन है, गलत प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी आ जाते हैं और वो फिर मिसयूज करते हैं पोजीशन। बनवा तो लें, ये भी समस्या आएगी, समस्या जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उसमें भी है। देखिए राइट टू आरटीआई वाले भी कोई कम नहीं है, बहुत गलत है। राइट टू एसोसिएशन एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग, ये आपका आपका फंडामेंटल राइट है। राइट टू एसोसिएशन एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग, जब 20 लोग इकट्ठे एक बात कहते हैं और एक आदमी वही बात कहता है, उसमें फर्क होता है। इसलिए अपनी बात मनवाने के लिए इकट्ठे हो जाओ, एसोसिएट एंड देन कलेक्टिवली बार्गेन। जी बिल्कुल सही कहना है। आपका सवाल सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि अभी उन्होंने दिखाया था आपने कि वो कह रहे थे कि सेलिब्रिटी सच्चे और अच्छे और उन पे कोई उंगली ना उठाए एंड ऑल, तो मेरा ये है कि सेलिब्रिटी को पहले श्योरिटी नहीं करनी चाहिए कि अगर हम किसी का एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, हम ब्रांड एम्बेसडर बन रहे हैं, तो ज़रूर जाहिर सी बात है कि उनको मिलेगा, उन्हीं को देखकर फैन खरीदते हैं, उनके फैंस खरीदते हैं इतने, तो उनको पहले देखना चाहिए मेरे साथ, जैसे गोविंदा सर एडवर्टाइज करते हैं। आपको मैं बताऊं कि हरभजन सिंह ने आज ट्वीट किया है कि अम्रपाली ने 2011 में वर्ल्ड कप जीतने के बाद ये वादा किया था कि सबको एक एक विला देंगे, उनको भी नहीं दिया। बट सर फिर भी बट सर उनको पता चलना चाहिए कि उनको देखकर खरीद रहे हैं। धोनी जो है उनको ही नहीं दिलवा पाए तो वो आप जो क्या हरभजन को नहीं दिलवा पाए तो बाकी लोगों को क्या दिलवाएं। एक बात में और, अनिल शर्मा जी आम्रपाली के जो आज बात कर रहे हैं आप, यही अनिल शर्मा जी एक समय था कि क्रेडाई के प्रेसिडेंट होते थे और क्रेडाई आज भी ये क्लेम करती है कि हम ग्राहकों का सॉल्यूशन निकालते हैं और शायद इसलिए हमारे बुलाने के बावजूद वो इस बहस में शामिल होने के लिए नहीं आए जी, इसलिए लेकिन मैं समझता हूँ कि इनके पास जो सोल्यूशन है एक्सपीरियंस पे बेस्ड। मैं पहले एक बार खेमका साहब के पास चलता हूँ, खेमका साहब आखिरकार क्या सोल्यूशन क्या है अभी तो जो रेगुलेटरी अथॉरिटी वगैरह तो अपनी जगह। शायद जब मैंने बात की तो पहले तो शर्मा जी ने मुझे बोलने नहीं दिया, फिर बोलने क्यों नहीं दिया तो मेरी बात पूरी सुनी नहीं उन्होंने। मैं ये कहना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से जब कोई चीज़ ख़राब हो जाती है तो उसके लिए कोर्ट में भी जाना पड़ेगा, लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी और जो साधन हमारे पैनलिस्ट समझा रहे हैं वो बहुत अच्छे साधन हैं। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ग्राहक जागो तो ठीक है लेकिन ग्राहक जागरूक बनो। आपके माध्यम से ये मैसेज भी लोगों को जाना चाहिए कि पैसे आपके हैं, पैसे धोनी के या किसी शाहरुख खान के नहीं हैं। अगर जब आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस वक्त जागरूकता की आवश्यकता है। और जहां तक रही बात मेरे धंधे की, मेरा धंधा एडवाइस पे भी चल जाएगा। इनका इनका सामान, इनका पैसा खराब करके इनको मकान ना मिले, उससे बेहतर अगर ये मेरे पास पहले आके सलाह ले लें कि सर यहाँ पे हम इन्वेस्ट करें तो मेरा धंधा शर्मा जी उससे भी चल जाएगा। आपने कर लिया इस्तेमाल इश्तेहारबाजी के लिए, वकील तो साहब बनाएगा, आपने कर लिया इस्तेमाल, हम अपना काम निकाल लेंगे, हमें आपकी आवश्यकता नहीं है। जाहिर सी बात है कि हम अपना धंधा चला लेंगे। कहना चाह रहा हूँ जागरूकता की वजह, मैं तो जागरूकता देने के लिए ज्यादा बोलना चाहता हूँ हमेशा। अब आप जैसे मैं बता रहा हूँ तीन लोन होते हैं एक प्रॉपर्टी के ऊपर, इसी तरह से जब कोई बिल्डर लोन लेता है 15-16% कंपाउंड इंटरेस्ट पे उसको ब्याज मिलता है, तीन साल में उसकी 50% जो वैल्यू बढ़ जाती है। आपका मालिया आज 50 लाख का घर है ना, अगर आप उसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करो तो वो जो पैसा उसने ब्याज में दे दिया वो पैसा की रिकवरी तो आपसे करेगा, तो उतना ही माल भी घटिया लगाएगा, उतना कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा, आपको चीट करेगा, चाहे फ्लोर एरिया में, चाहे सुपर एरिया में, चाहे ओपन एरिया या ऊपर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करेगा।
तो घर खरीदने से पहले ये भी देखिए कि क्या इस इंसान की लोन की स्थिति क्या है, क्या ये घर या बिल्डिंग बना सकता है अपने पैसे से, और अगर कर्जा लिया है तो कितना लिया है, क्या उस कर्जे के ब्याज में इस बिल्डिंग का भट्ठा तो नहीं बैठेगा। चैलेंज भाई, हमारे पास ऐसे लोग आते हैं, मेरे को क्यों ये बातें कहनी पड़ रही हैं, मैं कोई किसी की कमी नहीं निकाल रहा हूं। हमारे पास एक आदमी आता है, वो कहता है साहब इतने मैंने 12 लाख रुपया सिर्फ एक रसीद के ऊपर दिया हुआ है, उनके पास कोई एग्रीमेंट नहीं होता है, वो कोई ड्यू डिलीजेंस नहीं करते हैं। आप उस रसीद के बेसिस पे क्या लड़ाई लड़ेंगे, क्या केस डालेंगे? सिर्फ रिकवरी का सूट डाल सकते हैं, उस रसीद में लिखा होता है कि इतने पैसे वसूल पाए, दैट्स इट, तो आप रिकवरी का दावा डाल सकते हैं। अगर आप कहना यह है कि जो बायर है वो जागरूक हो और जो जानकारी नहीं है उसके पास वो लाए, वो पहले लाए, लीगल ड्यू डिलीजेंस करवाए, टाइटल की, बिल्डर की कैपेसिटी की, उसका ट्रैक रिकॉर्ड की। आप अपने बैंक से पूछिए ना, कि भी उसके बैंक से पूछे कि इसकी क्रेडिट वर्दीनेस क्या है। आप अगर आपका बैंक में अकाउंट है और आप लोन लेने जा रहे हैं बैंक से, अपना पैसा लगा रहे हैं, तो अपने बैंक मैनेजर को कहिए कि भाई आप तुम बैंक रेफरेंस मंगा, इस बिल्डर की क्रेडिट वर्दीनेस क्या है सर, उसकी क्रेडिट रिपोर्ट आपको मिल सकती है। मैं इस बहस को यहीं रोकूंगा क्योंकि हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं है। जी जी नहीं, मैं मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है, हम कुछ भी नहीं ले पाएंगे इसके आगे। रहेजा साहब, विनोद जी, अन्नू जी, सुराम खन्ना जी, अमित खेमका जी और हमारे नौजवान साथियों, एक बार सब युवा जनता, आप ग्राहक जागो और इनके लिए तालियां। इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। महापंचायत को हम यहीं समाप्त करते हैं इस घोषणा के साथ कि कम से कम हम बिल्डर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे मकान लेने से पहले, और सब कुछ बिल्डर या उसके ब्रांड एम्बेसडर पर नहीं छोड़ देंगे ताकि हमारा पैसा सुरक्षित रहे। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर खबरों का सिलसिला जारी है।